हेलो फ्रेंड, मैं विक्की बर्तवाल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 सीसी। आज इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या फीचर और क्या प्राइस है और क्या इस प्राइस रेंज में ये बाइक लेना आपके लिए सही है या नहीं। बात करें इंटरसेप्टर 650 की, तो ये जिस प्राइस रेंज में ये बाइक है उस प्राइस रेंज में आपको 350 से 400 सीसी की बाइक मिलती है बाकी कंपनीज की, लेकिन ये आपको 650 सीसी की बाइक मिल रही है। ये आपका ड्यूल सिलेंडर टू सिलेंडर बाइक है। इसका प्राइस की बात करें तो ये 3,23,060 रुपये की है दिल्ली में। इसके 7 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें ड्यूल ऑब्जॉर्ब्स दे रखे कंपनी ने, जो इस बाइक के लुक को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। ये कैफे रेसर टाइप की बाइक है। स्ट्रेट हैंडल बार है, ग्लॉसी कलर में इसका टैंक है और सीट इसकी काफ़ी कुशनिंग है। बात करें इंटरसेप्टर 650 की, तो इसका लुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी रॉयल इनफील्ड की बाइक से, इसीलिए काफ़ी लोगों के बीच में ये फेवरेट भी है। फ्रंट से बात कर लेते हैं तो हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है और क्रोम का सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिल जाती है। इंडिकेटर वही आपके बैप इंडिकेटर हैं सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ। इंडिकेटर थोड़े से कम फ्लेक्सीबल हैं, कंपनी को इसमें थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी देनी चाहिए थी। नीचे नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है और मडगार्ड इसका स्टील का है, जिससे कि बाइक काफ़ी को शेप वो मिल जाती है, रफ मिल जाती है, जिससे कि बाइक अगर थोड़ा बहुत अगर गिर जाती है तो बाइक में प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करें अब ब्रेक व्हील सस्पेंशन की, तो इसमें सेफ्टी को देखते हुए ड्यूल चैनल ABS दे रखा है कंपनी ने। फ्रंट में डिस्क है जिसका साइज़ 340 mm है, वही रेयर का डिस्क है जिसका साइज़ 240 mm है। स्पोक व्हील है, व्हील साइज फ्रंट का 18 inches का है और रेयर का भी 18 inches का है। फ्रंट टायर 190/18 का है, वहीं रेयर 130/70/18 का, सॉरी ट्यूब टायर है। फ्रंट सस्पेंशन 41 mm डाइव फ्रंट फ्रोक है, वहीं रियर क्वाइल ओवर सॉक 88 mm ट्रैवल सस्पेंशन है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बाइक की, इंजन की। इंजन इसमें आपको 648 cc का इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 47 bhp की। वही मैक्सिमम टॉर्क है इसका 52 Nm का। टू सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है, 6-speed गियरबॉक्स है, चेन ड्राइव है, इसमें स्लीपर क्लच है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और टैंक 3.5 लीटर का है। एवरेज 23 से 25 की एवरेज आराम से निकल जाती है। टैंक ग्लॉसी कलर का है, जिसमें आपको रॉयल इनफील्ड की 3D में बैजिंग मिलती है। पूरा का पूरा इंजन जो है आपका क्रोम सिल्वर में इंजन है, साथ में आगे रेडिएटर है। यहाँ पे इंटरसेप्टर 650 की बैजिंग मिल जाती है। बात करें मीटर कंसोल की, तो मीटर इसमें आपको ऑडोमीटर डिटेक्टर मिलता है, स्पीड और टैकोमीटर एनालॉग मिलता है। फ्यूल गेज है और लो फ्यूल इंडिकेटर है और लो बैटरी, इससे अलावा इसमें बाकी कुछ है नहीं। ट्यू मीटर कंसोल है राउंड शेप में, जो बाइक को काफ़ी अच्छा कैफरेसर लुक देते हैं। वहीं हैंडल बार इसका स्ट्रेट हैंडल बार है और बीच में एक स्ट्रेट प्लेट दे रखी है, जिससे कि इसमें वाइब्रेशन कम हो जाती है। लेफ्ट हैंडल बार में लो बीम हाई बीम इंडिकेटर्स और हॉर्न का बटन है और राइट हैंडल बार में आपका इंजन किल स्विच है और स्टार्ट का बटन है। टैंक में कुछ इस तरीके का फ्यूल टैंक का कप ओपनर मिल जाता है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है। बात करें बैग की, तो बैग में आपको जो सॉकर मिलता है उसमें जो आप गोल्डन कलर है, जिससे कि लुक को काफ़ी इन्हेंस मिलती है। वहीं सीट इसमें सिंगल सीटिंग सेटअप है और सीट का जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी है, लेदर की सीट है और जिसमें कि आपकी स्टिचिंग होगी वाइट कलर की है, जो कि लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। पिलियन राइडर के लिए इसमें लॉन्ग राइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्यून एडजस्ट है, वहीं पिलियन के लिए ग्रैब रेल दे रखी है, फुट रेस्ट दे रखा है और साड़ी गार्ड दे रखा है। जो एडजस्ट है उसकी साउंड काफ़ी अच्छी है और एडजस्ट सिल्वर क्रोम में है, जो कि इसको लुक को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। बैक से बात करें तो बैक में इसमें जो टेल लाइट है वो आपकी हेलोजन हेडलाइट है और वही इंडिकेटर्स में बल्ब इंडिकेटर है, नंबर प्लेट की जगह दे रखी है, नीचे रिफ्लेक्टर है, पीछे से रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दे रखी है और पीछे से टू व्हीलर्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और बाइक को काफ़ी यूनिक लुक देते हैं। बाकी इसकी वेट की बात करें तो 202 किलो का वेट है। वेट ज़्यादा होने से बाइक स्टेबल होकर चलती है रोड पे। लेंथ इसकी 2112 है और व्हील बेस इसका 1400 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 174 mm है और सीट हाइट है इसकी 804 mm। होप मैंने वीडियो में सारे चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर अभी भी आपके कोई इस बाइक से रिलेटेड कोई डाउट है और या फिर आप कोई और बाइक की वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, भाई की मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।